हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेचुरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक राजस्थानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है मगौड़ी की कड़ी या मूंग की दाल की बरी की कड़ी, और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नॉर्मली हम पकौड़े की कड़ी बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, लेकिन इस कड़ी को हम बहुत कम ऑयल के साथ बना सकते हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगौड़ी की कढ़ी बनाने के लिए मैंने ली है ये मंगौड़ी, ये बड़ी 2 चम्मच है, और 100 ग्राम मैंने दही लिया है, और 1 बड़ी चम्मच मैंने बेसन लिया है, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से 1/2 छोटा चम्मच से कुछ कम लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, और 1/4 चम्मच जीरा, और 1/4 चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई, थोड़े से करी पत्ते, और 1 पिंच यूज करेंगे हींग, और ये सूखा धनिया है, और सूखे धनिया की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस धनिया को मैंने सूखा के रखा हुआ है, और ज़रूरत के हिसाब से यूज करेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दही को, जितना मैंने दही लिया है इसका जस्ट डबल पानी डालकर और ये बेसन डालकर हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। ये दही, जितना दही है, आप चाहें तो ये काम रई से या हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ये हमारा तुरंत ही हो जाएगा। और इसी समय हम ये नमक भी डाल देंगे, ये बेसन, और इसे चला लेंगे। कुछ सेकंड में ही हमारा ये दही, बेसन और पानी का अच्छा घोल तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। ये मैंने गैस ऑन कर दिया और इस पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है, और हम इसमें बिना कोई चिकनाई डाले ही ये जो हमने बेसन और पानी का घोल तैयार किया था दही के साथ, इसे डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। और जैसे ये कुछ गर्म होता है हम इसमें ये हल्दी डाल देंगे, और जितने हमारी कढ़ी उबल रही है उतने हमने ये जो बरियाँ ली थी यानी कि मंगौड़ी, इसमें कुछ बूंद रिफाइंड ऑयल डालकर, इस समय हमें ज़्यादा रिफाइंड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना, ये सरसों का तेल, और इसमें हम ये बरियाँ भून लेंगे। इसमें एक हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसे भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। देखिए बरियों का कलर हल्का चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब ये वाला गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और ये जितने हमारी ये जो कढ़ी उबल रही थी अब ये बरियां हम इसमें डाल देंगे। ये बरी की कढ़ी रोटी के साथ और चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, और अब हम इसे बरियों के सॉफ्ट होने तक, या आप मान के चलिए फिर से हम 10 से 11 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। फ्लेम बीच बीच में लो कर देंगे, और किसी स्टेज पर अगर लगता है कि हमारी कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ला सकते हैं। और जितने हमारी कढ़ी उबल रही है इतने हम कढ़ी के लिए छौंक तैयार कर लेते हैं। अभी जिस पैन में मैंने बरी भुनी थी उसी पैन में मैंने ये थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, करीब 1 बड़ा चम्मच, इसे गर्म होने देते हैं। और जैसे ही ये तेल गर्म होता है हम इसमें ये 1 पिंच हींग, और ये राई और जीरा, ये हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं ये भी डाल देंगे, और ये करी पत्ता इसे हाथ से तोड़ लें, और ये लंबी लाल मिर्च, ये साबुत मिर्चें मैंने यूज़ की हैं,
मसाले भी डाल देंगे और ये लाल मिर्चें। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये कसूरी मेथी भी हम इसमें डाल देंगे। और अब कढ़ी को उबलते हुए भी करीब 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमने इसमें मंगौड़ियाँ डाली थी इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुई हैं या नहीं। ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो चॉप बनाया था ये इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। देखिए मात्र 10 से 12 मिनट में हमारी ये मंगौड़ी की कढ़ी तैयार हो गई है और ये सर्व करने के लिए कढ़ी तैयार है। बस ऊपर से हम ये थोड़ा सा सूखा धनिया, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। देखा आपने, इस तरह से छौंक लगाने से छौंक हमारा एकदम ऊपर रहता है और जब हम पहले ही छौंक लगा देते हैं तो वो छौंक नीचे चला जाता है, यानी वो कम दिखाई देता है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मंगौड़े की कढ़ी बनकर तैयार है। ये कढ़ी फुलकों के साथ, नान के साथ और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।